तो जी पहली हम लोग शादी वाले टेंट में पहुंच चुके हैं। हम चल रहे हैं। खाया है तुम? और रोटी खाने तो गए थे। अंजीर राम राम जी, मैं आपका अपना दोस्त डी डब्ल्यू पी ए के मतलब की डी के। तो वेलकम है भाई आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो भाई मैं तो हो गया हूँ रेडी शेडी, मतलब अपनी जिम में जाने वास्ता और फूड ट्रक का सामान लाने के लिए। यस, आज भाई सवेर ते पता नहीं क्या हो रहा, दो तीन बार तो ना इसके मत्थे पर भाई मेरे पते लग गया, मतलब ऐसे ही जिस तरह हाथ लग नहीं जाता, और वो ना कदी कूनी लगी कदी सर में, तीन चार बार लग गए इसका, पता नहीं क्या हो रहा बेटे बच कर ही। आज इस दिन तेज लगा मेरे, पहले मेरे नाक फोड़ दिया सुबह उठते ही। चल रो मत, देख रो रही है। आए 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 आए, अब लोग में रोते नहीं है, है? दोस्तों आप खुद बताओ मेरी क्या गलती है इसमें। तो मैं मार जा रही थी बेटे, सॉरी 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 सॉरी, मैं नहीं बोलूंगा भैया, मैं मार जा रही हूँ। तो दोस्तों दोस्तों नहीं दोस्तों, मैं जाऊं भाई अपना सामान लेना, अपनी जमकरन जम डोला सोला का डोला, मैंने ना लेके जाते जिम करन बियालीस की चाबी, मैंने क्यों नहीं लेके चलते। चल हाँ जी मेरे प्रिया दोस्तों, तो भाई सामान लेकर मैं हो गया हूँ फ्री, क्योंकि आज भाई अपना सामान कम ही था। वो कम इस तरह का था भाई, थमने पता ही है कल जो घटना अपने साथ हुई है, क्योंकि भाई अगर सामान बिकता तभी मैं सामान और लेकर आंदा, तो कल ऐसे हिसाब किताब रहा है इस तरह का भाई, आज सामान भी कम था। और अब मैं जा रहा हूँ भाई घर की तरफ, फिर घर जाकर करते हैं आपसे बातचीत। हाँ जी दोस्तों, तो भाई मैं घर पहुँच चुका हूँ, और भाई मैं लेकर आया था बोन ओगरा ना, जो बोन कंपनी है जिसके हम ब्रेड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैं उसके लेकर आया था कुलचे। मतलब मैंने कई बार वहाँ देखा कुलचे पड़े हुए थे बंदे पर, जिस पते मैं लेकर आऊँ, तो मैं आज कुलचे लेकर आया, और साथ में लेकर आया था मैं छोलों की सब्ज़ी। हाँ देखो यह छोलों की सब्ज़ी जो मैं लेकर आया, और यह कुलचा और यह अचार। तो अब मैं इसको खा के देखूँगा कैसे हैं कैसे नहीं हैं। आ जाओ भाई जिसने खाने हो। और भाई भगवान कर रही है अपने सूट पर प्रेस, क्योंकि ये जान लग रहे हैं शादी में मेरी जो बड़ी बहन है ना उसकी सहेली के उसकी सहेली के भाई की शादी है भाई, और ये वहाँ जान लग रहे हैं, अपने यहाँ पड़ोस में ही गाँव में खजूरी, वहाँ जान लग रहे हैं ये। बाकी यार वो लोग अपना बनाई लेगी, थमने दिखी जाएगा भाई क्या कुछ खावांगे वहाँ जाकर, खाने का तो क्या बताओगे, बाकी दिखा जरूर देंगे, तो हम खाने ही जा रहे हैं। ओके तो कोई नहीं, बाकी करते हैं भाई फिर बाद में बात, ठीक है। और एक हमें चार लोग समझ रहे हो, तो हम चला गया घर पे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम आ चुके हैं पार्टी खा के, मतलब कि खाना खुना खा के बाहर। अब हमारा ड्राइवर आ रहा है, हमारा ड्राइवर आ रहा है पर्सनल ड्राइवर, मतलब कि अभी आ रहा है हमें लेने, हम बाहर आके खड़े हो गए हैं, वो आने वाला है क्योंकि इसीलिए। फाइनली हमारा ड्राइवर आ चुका है, तो जी फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये हमारा पर्सनल ड्राइवर क्या कर रही है जानू, क्या देख रही है जन्नू? नहाने की तैयारी है जी। अच्छा फिर आप अभी तक नहाए क्यों नहीं? हम ब्याह में जाके भी आ गए, रोटी भी खा के आ गए। मैं सो गया था थोड़ी देर। क्यों सोए थे? बस ऐसे नींद आ गई थी मेरे को, आधा घंटा सोया मैं। ओके अलार्म तो 3:30 कर गया था, लेकिन अलार्म से पहले ही उठ गया मैं तो। ओके बेबी खाया है तुम? और रोटी खाने तो गए थे हम। अब देख गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल दे। गाड़ी वाला तो गाड़ी वाला है रे, देख रहे हो हिंदू कूड़े वाली। अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने खेत में, जैसे कि आप सबको पता है हम रोज जाते हैं शाम के टाइम, आज हमारा टाइम हो गया घूमने। कौवे क्या ले रहे मुंह में? गुस्से का टुकड़ा।
गुस्सा नहीं ले रहे, गुस्सा थी कंकर थी कुछ और ले रहे। ये गया, आज हम घूमे नहीं, आज हम यहाँ पे बैठ गए क्योंकि हम शादी में गए थे, हम थक चुके हैं। आज हम बैठे, वैसे हम घूमने के लिए आए थे, रील बनाने के लिए, क्या रील रूल बना लेंगे, चलते हैं घूम के आते हैं, वीडियो बना लेंगे। फिर आज वो राधा भी नहीं आई, बना रही रील तो मैंने आपके गाना देखो फटाफट तभी बैठी मैं। आज वो राधा भी नहीं आई, फिर हम यहाँ पे बैठ के धूप बढ़िया लग रही थी, मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठते चिल मारते हैं, फिर हम यहाँ पे बैठ गए। और ये देखो खेत, हरा हरा हरियाली, दूर तक हरियाली, वो देखो। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो भाई कर रहे हैं संघर्ष अपनी जिंदगी में अपने बेहतर भविष्य के लिए। जा रहे हैं भाई फूड ट्रक ने उसकी जगह पर लगान, बाकी करते हैं आपसे बातचीत। भाई साहब फूड ट्रक मैंने उसकी जगह पर लगा दिया, और मैंने प्रवीण पते मंगाई थी स्ट्रॉबेरी, प्रवीण ने लगा रखी है भाई अपने खेत में स्ट्रॉबेरी, और ये थोड़ी सी लेकर आया जो कर अपने आप खा लिए, कल नहीं लेकर घर के वास्ता, बाकी मेरे पर पूरी नहीं खाई जाने की, मैंने समझ थोड़ी सी खाऊंगा, लेकर जरूर जाऊंगा अगर मैं, क्योंकि पता है भाई तेरे बाप बिजनेस करगा वगा वगी, फिर कल्ला कल्ला खा गया। वाओ वेरी नाइस भाई, किसी ने अगर स्ट्रॉबेरी चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर लियो, कॉन्टेक्ट फॉर मी, यस देसी स्ट्रॉबेरी है भाई, वही थोड़ी अपने घर की, ये ले खून बढ़ा लिए खागा। तो हम रील रूल बना के आ चुके हैं अपने घर की साइट, तो हम चले हैं घर, हम थक चुके हैं, हमारी बैंड बज रही है, आज मेरे पैर दुख रहे हैं यार, पैरों में दर्द हो रही है दर्द। तो हम आ चुके हैं घर पे, वही शाम वाला रूटीन चालू, मतलब कि सब्जी बनाना और काटना। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने कपड़े चेंज, क्योंकि सूट पे दाग लग जाएगा यार कुछ ना कुछ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि जिस टाइम मैं सब्जी बनाने लगती हूँ मेरे सूट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तेल का छिट्टा लगता ही रहता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले अपना सूट चेंज करती हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो भैया आ चुके हैं अपने घर, और बस अभी अभी पहुँचे हैं, बाकी मैं एक चीज दिखाऊं था यो लेके आए थे भैया हम बना का घर वाला वास्ता पिज्जा, घर वाला वास्ता नहीं घर वाली वास्ता, अरे देखा तो मैं क्या ले रही, कितनी बड़ी यार बर्गर, कितनी बड़ी बर्गर, कौन सा बर्गर है यार, मुझे फिर खाते हुए, चल खा ले कोई नहीं, खा ले कौन सी बर्गर है, लाडलो आज भाई भगवान नाराज है मेरे ते, बाबा की दया थे, बाबा की दया थे भगवान खा रही है भाई स्ट्रॉबेरी, जोन सी मैंने थरते दिखाई नहीं थी, मगा भाई लेकर जानी पड़ेगी मैंने भगवान वास्ता, तो भगवान ने बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी। लोग सोचेंगे पता नहीं कितना खाती है, फिर खावा यार फिर क्या होगा, खाना चाहिए। अच्छा भाई कमेंट करके बताओ यार, कोई खाना बुरी बात है, खिलाना बुरी बात होता है, खाना वेस्ट करना बुरी बात होता है, ठीक है खाना बुरी बात नहीं होता, खाटी पड़ी है, ओके चल खा ले कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, तो भाई ये था हमारा आज का व्लॉग, मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो।